और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जो एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के भारत नगर इलाके में महज 1500 रुपए के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई। वाकई बड़ी सनसनीखेज ये खबर। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की खबर, जहां के भारत नगर इलाके में महज 1500 रुपए किसी की जान लेने के लिए कैसे आमादा कर सकते हैं किसी को। बताया जा रहा है कि मृतक दीपक के भाई विशाल को कुछ युवकों से पैसे लेने थे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि कुछ लोगों ने दीपक पर चाकू से हमला कर दिया और घायल दीपक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सर झगड़ा हुआ था कुछ आपस में, आस पड़ोस में दो लड़के थे वो, और उन्होंने मतलब फोन करके बुला लिए बाहर से लड़के, तो चाकू छुरी लेके आए घर पे, आके चाकू वाकू मार दिया। मेरे पापा के भी लगी हुई है काफी उसमें, और भाई की डेथ हो गई है, भाई के भी चाकू वाकू मारा है उन्होंने। कितने चाकू मारे हैं? चाकू सर मैंने तो अभी तक देखा नहीं, जब से उसके चोट लगी है, क्योंकि जबी के जबी उठा के हॉस्पिटल ले आए थे उसको। लेकिन सबसे बड़ी पुलिस की गलती है सर, कितने लोगों ने हमला किया? कम से कम 5-6 लड़के थे, दो तो वो खुद भाई थे, बाकी और उन्होंने मंगोलपुरी से बुलाए थे, एक एक उसका बाप था, और भी और लड़के थे जो 4-5 उसने बुलाए थे।